दो बच्चों के बीच जमकर हुई मारपीट का वीडियो व वायरल। थाना छत्ता क्षेत्र के जीवनी मंडी पुलिस चौकी का है मामला। चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर दो बच्चों में जमकर हुई मारपीट। सड़क पर मारपीट करने वाले युवकों में नहीं है पुलिस का खौफ। शादी समारोह में गोली लगने से 12 साल की मासूम बच्ची हुई घायल। नशे की हालत में युवक ने चलाई थी गोली। पुलिस ने घायल लड़की को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। थाना खंदौली क्षेत्र के लालगढ़ी का है घटना। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा। बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सदर के COD चौराहे के पास की है घटना। दिल्ली और अलीगढ़ में हुई हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। आगरा में पुलिस का हाई अलर्ट। संबंधित सील इलाकों में पुलिस फोर्स का कड़ा पहरा। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। गुरुवार को ताज महोत्सव में मुक्ताकाशी मंच पर मुंबई से आए बॉलीवुड सिंगर मीत ब्रदर्स ने बांधा समा। मीत ब्रदर्स के धुन पर नाची ताज नगरी। बॉलीवुड के गाने पर एक से एक बढ़कर दी परफॉर्मेंस। भारत विकास परिषद नवोदय द्वारा 12 मार्च को सर्व जातीय 11 कन्याओं का स्वामी विवाह समारोह होगा, जहां पर SNG फार्म हाउस फतेहाबाद रोड पर आयोजित होगा यह कार्यक्रम। 5100 रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है। बसपा पार्टी के पार्षदों ने कमिश्नरी में बवाक नाम की कंपनी के खिलाफ दिया ज्ञापन। पार्षदों ने रखी शहर में उफंत शिविरों की समस्या। बताया कि मलिन बस्तियों में नहीं होती है सफाई। भतीजे ने अपनी शादी के चक्कर में चाचा को दोस्तों के साथ मिलकर मौत की घात उतारा। जहां थाना सांगंज के रहने वाले निकल शर्मा को पुलिस ने आज पकड़ा। जहां भाभी बिमलेश ने 28 जनवरी को लिखाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर पिछले 5 दिनों से खड़ी लावारिस कार। दुकानदारों में मचा हड़कंप। कार की सूचना होने के बावजूद क्षेत्रीय पुलिस पूरी तरह से बनी मूक दर्शक। जहां आगरा पुलिस कैंट ने बड़े पैमाने पर देसी विदेशी पर्यटक भी आते हैं, जहां क्षेत्रीय पुलिस की लापरवाही पर उठ रहे हैं सवाल। 10 रुपए की थाली का इमरजेंसी में हुआ शुभारंभ। समाज सेवी पूरन डावर ने बताया कि यह 13वां स्थान होगा जहां 10 रुपए की थाली लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे। ताज नगरी आगरा में कोई भूखा ना सोए, यह है हमारा लक्ष्य।